इस लड़के के साथ ना यही एक प्रॉब्लम है। मैं इसका बाप हूँ और ये मेरा बाप बनता है। कंपनी का मालिक मैं हूँ, लेकिन ये ऐसे ट्रीट करता है कि जैसे मैं इसका एम्प्लॉय हूँ। सर आप क्या कह रहे हैं? तो क्या बोलूं, मेरा एक एक मिनट कीमती है और ये अभी तक गायब है। सर आ जाएगा अक्षय, बस आता ही होगा। सॉरी गाइस, आई एम लेट, आई एम रियली सॉरी। सॉरी डैड, लेट्स स्टार्ट। बैठना मत। पहले ये बताओ, मैं तुम्हें हमेशा क्या बोलता हूँ? टाइम इज मनी। लेट आकर तुमने कंपनी का कितना नुकसान कर दिया। डैड, मैं सिर्फ 10 मिनट लेट आया। मेरी फ्लाइट मिस हो गई थी और मैं एयरपोर्ट पर था, फिर भी मैं यहाँ पर टाइम पर आ गया और तुम यहीं थे अपने कैबिन में, फिर भी 10 मिनट लेट। डैड, सिर्फ 10 मिनट की बात है। 10 मिनट? एक डील साइन करने में कितना टाइम लगता है? सिर्फ 30 सेकंड। और 10 मिनट में कितनी डील साइन कर सकते हैं? 20। एक डील से अगर हमें 1 करोड़ का फायदा होता है तो 20 डील में 20 करोड़। तुमने 20 करोड़ का नुकसान कर दिया कंपनी का। डू यू अंडरस्टैंड? पर डैड, अगर मैं सच कहूं तो अगर हम इसी तरह से डिस्कशन करते रहेंगे ना तो कंपनी का और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। मतलब 10 मिनट लेट था और अगर इसी तरह हम डिस्कशन करते रहेंगे तो 10 करोड़ का और नुकसान होगा। सो इन शॉर्ट, कंपनी का 40 करोड़ का नुकसान। इससे बेहतर यह है कि मिस्टर हर्ष जो पीपीटी दिखाने वाले थे, आई थिंक हम उस पर फोकस करते हैं। राइट गाइस? देखा कीना, इसने बड़े वाली बात, ऑर्डर ऐसे दे रहा है जैसे मालिक। डैड, मैं ऑर्डर नहीं, सिर्फ एक सजेशन दे रहा हूं। बाकी मैं दोनों चीजों के लिए तैयार हूं, बहस या काम। अब आप बताइए कि क्या करना है। काम, लेट लतीफी के बारे में घर पे डिस्कस करेंगे, अभी यहां काम कर लेते हैं। अर्श, अब क्या मुहूर्त निकलवाएगा? स्टार्ट द पीपीटी। जी सर। सर अक्षय बैठ सकता है अभी? अब मालिक है, जो चाहे करे। डैड, आई एम रियली सर, आज के बाद कभी लेट नहीं आऊंगा, आई प्रॉमिस। थैंक यू सर। पीपीटी। सर ये जो आप देख रहे हैं, ये होटल के इंटीरियर के पिक्स है। स्टॉप, स्टॉप राइट हियर, लाइट ऑन करो। क्या हुआ सर? ये फोटोग्राफी किसने की? फोटोग्राफर तो जो भी है उसे फायर करो। इतना घटिया काम कैसे कर सकता है कोई? प्राची जी। सर तुमने कुछ बताया इसे? मैंने नहीं सर। एक सेकंड, ये क्या चल रहा है ऑफिस में? प्राची को भी ये फोटोग्राफी पसंद नहीं आई थी तो मैंने इसे डांट दिया, बोला कि मेरे बेटे को जरूर पसंद आएगी, लेकिन तुमने भी। सर कोई चीज अच्छी है ही नहीं तो किसी को भी पसंद कैसे आएगी? लेकिन मुझे पसंद आई ना। प्राची थैंक यू सो मच। किस लिए? इस फोटोग्राफी को अच्छा ना कहने के लिए। बाकी जितने भी लोग बैठे हैं ना, सब इसको अच्छा कहेंगे क्योंकि वो डांट से डरते जो है। किसी चीज में कमियां निकालना आसान काम है। तू बताएगा कि तुझे कैसे फोटोग्राफी चाहिए? कोई रेफरेंस, कोई सैंपल है तेरे पास? हाँ डैड बिल्कुल है, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है और लैपटॉप कैबिन में, मैं अभी लेके आता हूँ। रुक, तू कैबिन में जाएगा तो 10 मिनट और लेट करेगा। प्रिया तेरा लैपटॉप ले आएगी। प्रिया। जी सर, अभी लाई। कितनी देर में? 2 मिनट। कितनी देर में? सर 1 मिनट। एक मिनट। अच्छा वैसे एक बात बताओ, ये फोटोग्राफी की किसने? कौन है ये महान फोटोग्राफर जिसने इतना अवार्ड विनिंग काम किया है? समझ गया, जरूर डैड के किसी फ्रेंड ने की होगी। राइट डैड? मेरे लाफिंग क्लब का फ्रेंड है। अरे हेल्प करनी पड़ती है कभी कभी। बिल्कुल जरूरी ना। एक शब्द भी मत बोलना। मैं कहां कुछ बोल रही हूँ सर? आंखों से तो बोल रही हूँ ना। मनी मन कह रही होगी कि मैं अपने फ्रेंड्स को फेवर करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी को फेवर नहीं करता। पता है मुझे, जानती हूँ मैं। प्राची मैं अभी तुम्हारी तारीफ कर रहा था कि तुम डैड की हाँ में हाँ नहीं मिलाती, लेकिन अभी तुम। सच बोल रही हूँ मैं सर, कभी किसी को फेवर नहीं करते। इनफैक्ट सर के पास एक टैलेंट है, टैलेंट को परखने का टैलेंट, कि उन लोगों को मौका देते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, जो एक मौका डिजर्व करते हैं, जैसे इन्होंने मुझे मौका दी। यू नो मेरे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी, बिजनेस डिग्री नहीं थी जो मैं ये कंपनी ज्वाइन कर सकूं, फिर भी सर ने मुझे एक मौका दिया, मुझ पे भरोसा किया, विश्वास किया, और उस एक मौके ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। पता नहीं कितने ऐसे लोग होंगे जिनको ऐसे मौका मिला हो और उनकी ज़िंदगी बदल गई हो। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, अगर मैं किसी की दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ
जिसे बहुत ज्यादा एडमायर करती हूँ, तो वो टंडन सर है।